नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हुए हैं जो वास्तव में ही आपका दिल दहला देने वाली है। आपने सुना है किसी भी गलती पर पुलिस तो किसी की भी मारपीट कर देती है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी के बेलगाम SDM ने अपने हाथों में हथियार उठा लिए और मास्क चेकिंग के नाम पर कई दुकानदार बुरी तरह पीट डाले, जिसमें एक दुकानदार का हाथ भी टूट गया। गुरुवार को पुलिस के साथ SDM अशोक चौधरी का कहर कारोबारियों के साथ साथ आम लोगों पर भी टूट पड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नाम पर तहसील में आए लोगों को SDM ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। SDM ने इस पीटने की प्रक्रिया में किसी बुजुर्ग और महिला को भी नहीं बख्शा। तहसील के बाहर स्थित मौजूद दुकानदार और कारोबारियों को जो मास्क लगाए नहीं हुए थे दुकान से खींच खींच कर और निकाल निकाल कर बुरी तरह पीटा। इस दौरान SDM खुद भी हाथ में लाठी लेकर दुकानदारों को पीटते नजर आए। कई दुकानदारों को इसमें चोटें आईं, एक का हाथ फट गया तो एक के हाथ में मामूली सा फ्रैक्चर होने की भी खबर सामने आई है। ये घटना विल्थरा रोड तहसील के पास गुरुवार को SDM ने सोशल डिस्टेंसिंग के मास्क न प्रयोग करने के खिलाफ अचानक अभियान शुरू कर दिया और अपने गार्ड और खुद हाथ में लाठी लेकर सड़क पर उतर पड़े और जहां जो भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए दिखा या सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़कर बैठे हुए थे आस पास तहसील में लोग, उन सबको लठियाना शुरू कर दिया। SDM के इस तरह लठियाने से पूरी तहसील में हड़कंप मच गया, भगदड़ का माहौल बन गया, लोग इधर से उधर दौड़ने पड़े। आइए देखते हैं SDM के कारनामे का ये लाजवाब वीडियो। SDM के इस कारनामे पर जब जिलाधिकारी हरिप्रताप शाही से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मास्क न पहनने पर पुलिस तो कार्रवाई करने के आदेश जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन अचानक SDM के द्वारा कैसे कार्रवाई की गई तो उन्होंने जवाब दिया, क्या रूमाल नहीं लगा सकते हैं? SDM ने अधिकतर वो लोग पीटे थे जो रूमाल लगाए हुए थे या मुंह पर गमछा लपेटे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान खुद ही ये कहा था कि गमछा यूज करें, गमछा प्रयोग करें और मुंह पर रूमाल बांधें। आम आदमी, किसान, कमजोर गरीब आदमी रूमाल बांधकर घर में अंगोछा या गमछा होता उसे बांधकर बाजार चला जाता है। SDM ने जो लोग गमछा और रुमाल बांधे हुए थे सबसे ज्यादा उन लोगों की पिटाई की। तो DM हरिप्रताप शाही ने जवाब दिया, वो बात को बताएं, उन्होंने कहा ऐसा कोई ऑफिशियल आदेश नहीं है पुलिस द्वारा लोगों को पीटने पर, आज जो भी हुआ है मैं उस पर कार्रवाई निश्चित करूंगा, व्यवस्था जुर्माने की और उनके खिलाफ केस दर्ज करने की है, सरेआम मारने पीटने की कोई भी आदेश मेरे पास लिखित में नहीं है, नहीं मैंने किसी भी अपने सबॉर्डिनेट को लिखित में कोई ऐसा आदेश दिया है कि किसी को भी आम सड़क पर चलते आदमी को
बेहुदा से मारपीट की जाए, उसे बेइज्जत किया जाए। घटना से पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है, खास करके बलिया के व्यापारियों में बेहद नाराजगी है, जहां उन्होंने कहा है कि तहसील परिसर में इस तरह बिलथरा रोड तहसील के एसडीएम अशोक चौधरी ने जो तांडव मचाया है, उससे आम व्यापारी अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। जहां योगी सरकार अभी अपराध और आम घटनाओं को लेकर काफी चर्चित है, वहीं इस समय एसडीएम ने सरकार के लिए एक मुसीबत और खड़ी कर दी है। जहां विधानसभा में ब्राह्मण समाज पर हो रहे हमले को लेकर पूरा विपक्ष हावी बना हुआ है, वहां कल विपक्ष को एक नया मुद्दा हाथ में और मिल गया है। वहीं बाराबंकी में एक कथावाचक को एक सिपाही ने सरेआम बुरी तरह पीटा है, और ये मारपीट इतनी बुरी तरीके से की गई है कि उस पीड़ित व्यक्ति का शरीर नहीं देखा जा सकता है। तो ये कारनामा योगी सरकार के बेलगाम अधिकारियों के हैं, जिन पर न कोई सरकार का दबाव है न किसी अधिकारी का दबाव है। हालांकि अभी मिली खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद नाराजगी भरा निर्णय लेते हुए एसडीएम बलिया को राजधानी लखनऊ राजस्व परिषद में अटैच कर दिया है और सस्पेंड किया गया है, और उनसे जवाब मांगा गया है कि आखिर उन्होंने ये गलत कार्रवाई क्यों की। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्पेशल कवरेज न्यूज को, जल्दी फिर मिलेंगे एक बड़ी खबर लेकर।